व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24? 24 का कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले देखिए नंबर ऑफ फैक्टर, ये नंबर ऑफ फैक्टर है क्या? तो डिवाइजर ऑफ नंबर, डिवाइजर ऑफ द नंबर को हम लोग कहते हैं फैक्टर ऑफ द नंबर। चौबीस का जो है डिवाइजर ऑफ द नंबर क्या होगा? कहने का मतलब 24 किस किस संख्या से कटेगा? तो 24 किसे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा। फिर से सुनिए, हम क्या बताए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर? तो डिवाइजर ऑफ द नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द नंबर। कहने का मतलब है कि 24 किस किस संख्या से विभाजित होगा? तो वो विभाजित होगा आपका 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर है वो 8 है। और 8 देखिए तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट आंसर आपको बी होगा। और इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले 24 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो 24 किसे कटेगा? 2 से कटेगा, 12 गुना 24। फिर 12 किसे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 से या 12, फिर 2 से, 2, 3 या 6। तो 24 का जो है, 24 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24। अब बताइए कि 2 जो है कितना टाइम्स है? 2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 2 को लिखेंगे 2 × 3। अब 3 जो है 1 टाइम्स है, इसको लिखेंगे 3 × 1। इसके बाद क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा? ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा? तो इवन नंबर पर जो पावर है, इवन नंबर पर जो पावर है उसमें प्लस 1 करेंगे, उसके बाद ऑड नंबर पर जो पावर है उसमें भी प्लस 1 करेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे। तो बताइए तो कितना हो गया? 3 + 1 = 4 और 1 + 1 = 2। तो 4 × 2 जो है 8 हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका 8 होगा। और 8 बताइए आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 24? 24 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 24 तो 12 × 24, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। तो 24 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 3, यही तो करेंगे। अब बताइए 2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 2 × 3 × 3 कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो 3 × 1। इसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा? तो क्या करेंगे, इवन नंबर पर जो पावर है उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, इनटू लिखेंगे, और
ऑड नंबर पर जो पावर है उसमें पावर एक करेंगे, ऑड नंबर पर जो पावर है उसमें प्लस एक करेंगे और उसके बाद गुणा कर देंगे तो थ्री और वन प्लस वन कर देंगे कितना होगा टू और थ्री टू या सिक्स, तो सम गुणनखंडों की जो संख्या होगा वो सिक्स होगा और सिक्स देखियो तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। फिर से देखिए हम क्या बताएंगे, फिर से देखिए हम क्या बताए, सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 24 किससे कटेगा, दो से कटेगा, बाद में 24 फिर दो चौके 12 दो दिया 6 तो 24 का गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2 × 3। अब बताइए 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसको कैसे लिखेंगे 2 × 3 और 3 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है, इसको लिखेंगे 3 × 1। उसके बाद इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इवन नंबर पर जो पावर है वो पावर ज्यों का त्यों ले लें, इवन नंबर पर जो पावर है उसको ज्यों का त्यों ले लेंगे, इनटू करेंगे, उसके बाद ऑड नंबर पर जो पावर है उसमें प्लस एक करके गुणा कर देंगे, बस ये करना है। तो 3 × 6 तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो होगा वो 6 होगा और 6 देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। तीसरा प्रश्न है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 24, 24 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे क्या बताए हैं, सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 × 2 × 2 × 3 2 × 4 4 × 8 8 × 3 = 24 2 × 4 4 × 8 8 × 3 = 24। अब बताइए 2 कितना टाइम्स है 1 2 3 3 टाइम्स है, इसको लिखेंगे 2 × 3 × 3 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है, इसको लिखेंगे 3 × 1। इसके बाद आपको कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर ऑफ 24 कैसे निकालेंगे, तो जो इवन नंबर वाला है उसको कुछ नहीं करेंगे उसको काट देंगे, उसके बाद ऑड नंबर पावर कितना है 1, ऑड नंबर पर आपका पावर कितना है 1, 1 में प्लस 1 कर देंगे, 1 इस 1 को लेंगे जो ऑड नंबर पर जो पावर है उसको लेंगे आप प्लस 1 कर देंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 24 कितना होगा 2 और 2 देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अभी आप लोगों को बताए थे ना कि देखिए 24 का फैक्टर क्या क्या है, तो 24 का फैक्टर है 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 8 है 12 है 24 है 24 है, तो अब बताइए इसमें ऑड नंबर क्या क्या है, तो और नंबर को सिर्फ आपका क्या है 1 है और 3 है, उसके बाद तो सब आपका इवन नंबर है 2 4 6 8 12 24 सब जो है इवन नंबर है और आपको यहां बात कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 24, तो अब बताइए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, दो को है वो है 1 और 3, तो कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 24 वो है आपका 2 और 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1470 इज इक्वल टू 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 1470 का जो है गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे 1470 को कैसे लिख सकते हैं 147
अगुना 10 कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे 147, तो 147 को कैसे लिख सकते हैं बताइए। तो 147 किसे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौ 12, 3 नवा 27, फिर 49 तो 147 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 × 7 × 7 अगुना 10, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 × 5 = 10। अब बताइए 2 कितना टाइम्स है, 2 1 टाइम्स है 2 × 1 = 2 2 की बात क्या आता है 3 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है तो 3 × 1 3 की बात क्या आता है 5 तो 5 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है तो 5 × 1 * 7 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है 7 कितना है 2 टाइम्स है तो 7/2 इतना कर लेंगे। अब क्या करता है पूर्ण गुणनखंडों की संख्या 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे इवन नंबर पर पावर 1 है तो इसमें प्लस 1 कर देंगे 1 + 1 × इसमें प्लस 1 कर देंगे तो 1 + 1 × इसमें प्लस 1 कर देंगे 1 + 1 × और इसमें प्लस 1 कर देंगे 2 + 1। अब बताइए 1 + 1 = 2 × 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 और 2 + 1 = 3 तो कितना हो गया गुना कीजिए तो 2 × 4 = 8 8 × 3 = 24 तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो होगा 24 और 24 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा सी होगा। देखिए फिर से सुनिए क्या बताए, सबसे पहले क्या थे 1470 का गुणनखंड निकाल लिए तो 1470 को हम लिख सकते हैं 147 × 10 उसके बाद 147 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 × 7 × 7 3 × 7 = 21 21 × 147 अगुना 10 2 × 5 = 10। अब बताइए 2 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है 3 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है उसके बाद 5 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है 7 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है इसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं तो पावर पे प्लस 1 करते जाएंगे और सबको गुणा कर देंगे, इसमें प्लस 1 कर देंगे गुना 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 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 और 2 + 1 = 3 उसके बाद सबको गुना कर देंगे तो 2 × 4 = 8 8 × 3 = 24 तो करेक्ट आंसर आपका 24 होगा और 24 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। पांचवा प्रश्न है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 3600 इज इक्वल टू 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो कैसे बनाएंगे तो क्या बताए हैं, सबसे पहले 3600 का गुणनखंड निकाल लेंगे 3600 का गुणनखंड निकालेंगे गुणनखंड 3600 का गुणनखंड कितना निकलेगा 36 × 100 कर देंगे 36 × 100 देखिए क्या थे 3600 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3600 को लिख सकते हैं 36 × 100 इसके बाद क्या करेंगे 36 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा बताइए 2 × 4 = 12 12 × 36 उसके बाद 100 का कैसे लिखेंगे बताइए 2 × 4 = 4 × 20 20 × 100 तो 36 को लिखे 2 × 2 × 3 × 3 2 × 4 = 12 12 × 36 और 100 को लिखे 2 × 4 = 4 × 20 20 × 100 अब बताइए 2
कितना टाइम से है? गिनिए तो, टू कितना टाइम से है? वन टू थ्री फोर, तो टू फोर टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे टू पर टू की पावर फोर। टू के बाद आता है थ्री, तो थ्री देखिए तो कितना टाइम्स है? वन टू, तो टू टाइम्स, थ्री पर टू की पावर टू। उसके बाद देखिए फाइव, तो फाइव कितना टाइम्स है? वन टू, तो फाइव पर पावर टू। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या, तो 3600 का कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितना होगा बताइए तो? तो हम क्या बताए हैं, जो पावर है उसमें प्लस एक करते हैं, ये टू पर पावर फोर है, इस पावर में प्लस वन कर देंगे, फोर प्लस वन गुना करेंगे, इस पावर में प्लस वन कर देंगे तो टू प्लस वन गुना कर देंगे और इसमें प्लस वन कर देंगे, टू प्लस वन उसके बाद सबको गुना कर देंगे, फोर प्लस वन फाइव, टू प्लस वन थ्री, और टू प्लस वन थ्री गुना कीजिए, तीन दिया नौ, नौ बचे पैतालीस, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या होगा वो होगा 45, और 45 बताइए आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। फिर से देखिए हम क्या बताए हैं, सबसे पहले 3600 का गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 3600 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 गुना 100, इसके बाद 36 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, दो दुना चार, चलतिया बारह, बारह तिया 36, उसके बाद 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, दो दुना चार, चार पंचे बीस, बीस पंचे सौ, टू कितना टाइम्स है, देखिए तो वन टू थ्री फोर, टू फोर टाइम्स है, कैसे लिख सकते हैं, टू पर टू की पावर फोर इंटू थ्री कितना टाइम्स है, देखिए तो वन टू, टू टाइम्स है, थ्री पर टू की पावर टू इंटू फाइव कितना टाइम्स है, देखिए तो वन टू, टू टाइम्स है, तो फाइव पर पावर टू। इसके बाद क्या करते हैं, जो पावर है पावर में प्लस वन करके सबको गुना कर देते हैं, फोर प्लस वन गुना टू प्लस वन गुना टू प्लस वन, उसके बाद सबको गुना कर देंगे, तो फोर प्लस वन फाइव, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री गुना किए, तीन तिया नौ, नौ बचे पैतालीस, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 45, और 45 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 10,500, 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो क्या करना है, क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले 10,500 का, 10,500 का गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे कितना होगा, 10,500 को हम लिख सकते हैं 105 गुना 100, 105 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो 105 का कैसे करेंगे बताइए तो, तीन से भाग लेगा, तीन दिया नौ, तीन पचे पंद्रह, अब पांच सत्ते पैतीस, तो कैसे लिखेंगे, तीन गुना पांच गुना सात कर देंगे, तीन गुना पांच गुना सात करेंगे कितना होगा 105 हो जाएगा, तीन पचे पंद्रह, पंद्रह गुना सात करेंगे, पंद्रह सत्ते 105 गुना 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे बताइए तो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दुना 4, 4 पंचे 20, अब 20 पंचे 100, तो 100 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ऐसे लिखेंगे, 2 दुना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। अब बताइए कि 2 कितना टाइम्स है, 2 देखिए तो कितना टाइम्स है, 2 को देखना है कितना टाइम्स है, तो वन टू, तो टू टू टाइम्स है, टू पर पावर टू, टू के बाद क्या आता है थ्री आता है, तो थ्री कितना टाइम्स है, वन टाइम्स है, तो थ्री पर टू की पावर वन, थ्री के बाद क्या आ रहा है, देखिए तो फाइव आ रहा है, तो फाइव कितना टाइम्स है, वन टू थ्री, तो फाइव पर टू की पावर थ्री इंटू, इसके बाद क्या आता है सेवन आता है, तो सेवन कितना टाइम्स है, वन टाइम, सेवन पर टू की पावर वन। इसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो याद रखिएगा
इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इवन नंबर पर जो पावर है उसको कांस्टेंट कर लेंगे, इसमें जो है वही ले लेंगे, टू ले लेंगे, इवन नंबर पर जो पावर है वो सेम लेते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो दो अगुना, और ऑड नंबर पर जो पावर है उसमें प्लस वन करके गुना करके जाएंगे, तो वन प्लस वन कर देंगे, गुना इसमें प्लस वन कर देंगे तो थ्री प्लस वन, इंटू इसमें प्लस वन कर देंगे वन प्लस वन, अब बताइए टू, अब वन प्लस वन कर देंगे टू, इंटू थ्री प्लस वन करेंगे फोर, अब वन प्लस वन करेंगे कितना होगा टू, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए टू तो कितना हो गया दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ चौके बत्तीस, दो दुना चार, चार चौक सोलह, सोलह दुना बत्तीस, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर होगा वो होगा 32, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 32, और 32 देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 10,500 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ज्ञात करने के लिए जो आपका इवन नंबर है उसको काट देंगे, इवन नंबर वाला को काट देंगे, उसके बाद इस पर जो पावर वन है थ्री पर पावर वन तो प्लस वन कर देंगे वन प्लस वन गुना एक फाइव पर टू की पावर थ्री जो पावर थ्री है इसमें प्लस वन कर देंगे थ्री प्लस वन इंटू और इसमें प्लस वन कर देंगे वन इंटू वन तो कितना हो गया वन प्लस वन टू और थ्री प्लस वन फोर और वन प्लस वन टू तो कितना हो गया दो चौक आठ, आठ गुना सोलह, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सोलह, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो होगा वो होगा 16 होगा, और 16 जो है आपका किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें इनका सख्त जरूरत है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, थैंक यू वेरी मच, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।